मुझे भी इस पार्टी में 15 साल हो गए हैं ठाकुर साहब। हाँ, आपसे कभी कोई नाजायज मांग तो नहीं की है? लेकिन इस कैबिनेट के लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि आपने हमारे सारे आदमियों को नजरअंदाज कर दिया है। आपने हमारे सारे आदमियों को नजरअंदाज कर दिया है। हाँ, नहीं, हम मानते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है। अब जब नए पोर्टफोलियोज बनेंगे तो हम आपके आदमियों को ले लेंगे। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हुआ ठाकुर साहब, कि अभी हमें आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब तो बहुत होते हैं दुबे, लेकिन पॉलिटिक्स में उत्तेजित होने से क्या फायदा? वाकई ठाकुर साहब, अब सही कहते हैं। पॉलिटिक्स में उत्तेजित होने से क्या फायदा? और हम तो बिल्कुल बच्चों की तरफ बह गए थे। विजय कुमार के पास 25 कॉलेज का सपोर्ट है और तकरीबन इतना ही अजय के पास। हमारे पास कुल 10 या 11। अब रह जाते हैं शहर से बाहर के 10 कॉलेज जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। अब इनका सपोर्ट कहां जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर पिछले 2-3 साल से तो ये अजय को सपोर्ट करते आ रहे हैं। यानी कि हमारी पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अगर कुछ वक्त और होता हमारे पास तब तो शायद हम ज्यादा कॉलेज का सपोर्ट खड़ा कर सकते थे। इन सब बातों में कोई दम नहीं। चाल भले ही हमने गलत चली हो, लेकिन अब देखना यह है कि बाजी को बचाएं कैसे। ये काम इतना मुश्किल तो नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अगर हम विजय कुमार को सपोर्ट करें तो क्या वो इलेक्शन जीत जाएगा? हाँ, बिल्कुल जीत जाएगा। तो फिर उससे कुछ सौदा किया जाए। यही तो नहीं हो सकता पांडे जी। क्यों भाई, उसे इलेक्शन जीतना पसंद नहीं? जीतना पसंद है, सौदा नहीं। फिर तो वो गलत अखाड़े में आकर खड़ा हो गया। उसे तो 2 धड़ मार के यहां से भगा देना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ठाकुर साहब का ही तौर तरीका हो जाएगा। इसे तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। देखो अजय, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अरविंद और हमारी पार्टी को किसी भी हालत में ये इलेक्शन जीतना होगा। हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। ये दुबे ने थोड़ी नहीं ज्यादा ही तकलीफ खड़ी कर दी है, लेकिन तुम उसे संभाल सकते हो। ठाकुर साहब, डर इतना दुबे जी की पार्टी का नहीं है जितना विजय कुमार का है। ये कौन है? है एक बहुत ही ईमानदार स्टूडेंट लीडर, बहुत कुछ किया है स्टूडेंट्स के लिए। आजकल उनकी पार्टी चलाता है विद्यार्थी संगठन। अच्छा, बहुत सपोर्ट है उसके पास बहुत सारे कॉलेजेस का, और उसके वोट्स तोड़ना भी बहुत मुश्किल बात है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, करो, और जरूरत पड़े तो कल मुझे आके मिलना। हाँ जी, मैं चलता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, पिछले 20 साल से ठाकुर का एक भी आदमी इलेक्शन नहीं हारा है, और फिर तुमने तो बेड़ा उठाया है उसके बेटे को मात देने का। मेरे ख्याल से तो लोहे को लोहा ही काटता है। आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूं। भैया, मुझे लगता है पांडे जी सही कह रहे हैं। पांडे जी अगर सही होते तो ठाकुर साहब के खिलाफ खुद आवाज उठाते, हमारे यहीं चक्कर नहीं काटते। इस आशा में कि शायद हम जीत गए तो उनका भी फायदा हो सके। अच्छा, तो ये बताइए ठाकुर साहब, इस साल यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी छोड़िए जी, बच्चों के खेल है, हम कहां उसमें फंसेंगे। क्या ये बात अहमियत नहीं रखती कि आपका लड़का भी इस साल इलेक्शन में खड़ा हुआ है? आप अपोजिशन वाले हर वक्त यही सोचते हैं कि हर इलेक्शन में हमारा हाथ है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम तो यही चाहते हैं कि
सही उम्मीदवार चुना जाए। सही बात है, सही उम्मीदवार चुना जाए तो हर काम सही होता है। उसे शाह ने आपको बुलाया। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ सही उम्मीदवार चुना ही कहा जाता है। लीजिए ना। नहीं, मैं लेता हूँ, आप लीजिए। मैं जरा बाकी मेहमानों को देखता हूँ। आप लीजिए, आप लीजिए। हमारे मरहूम दोस्त का बेटा है अजय। अरविंद की मदद ये करेगा? हाँ, और हम उसकी कर रहे हैं। ठाकुर साहब, पार्टी तो बहुत लाजवाब है, लेकिन आपका बेटा अरविंद कहीं नजर नहीं आया हमें। हमें भी आजकल वो बहुत कम नजर आता है। सुरेश, इस साल इलेक्शन के लिए पार्टी ने राज का नाम चुना है। सोच लो अरविंद, मेरे पास भी काफी कॉलेजेस का सपोर्ट है, शायद राज से भी ज्यादा। मतलब? तुम समझदार हो यार, तुम्हारे खिलाफ जो पार्टियां हैं उन्हें शायद मेरा सपोर्ट बुरा नहीं लगेगा। मैं चलता हूं। इसका पंख फैलाना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। अगर इसने दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने की सोचे भी ना, तो उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। ये किसके हाथ पैर तोड़ने की तैयारी हो रही है? हाँ अजय, इलेक्शन में नाम तो राज का ही नॉमिनेट होगा ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? सुरेश आया था। अच्छा, उल्टी सुल्टी बातें कर रहा था। घबराना नहीं है, नॉमिनेशन फाइल होने के पहले मैं उसको पटा लूंगा। नाम तो राज का ही नॉमिनेट होगा। नहीं, बोर्ड नहीं है। कम ऑन यार, वैसे इधर बैठ के क्या करने वाले तुम लोग? क्यों बे, कहाँ ले जा रहे इसे तू? जन्नत में चलोगे, परियों के पास। और यार वैसे भी जावेद अपनी उम्र नहीं है डांस वांस करने की। अब देख यार, तू इसे भी अपने लाइन पे लगा रहा है यार। ठीक है, संभाल ले, तू लगे रहो। क्यों मेरे शेर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। सतीश आओ भाई। मोहन भाई कैसे हो? क्या हुजूर, यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, शेखर के कॉलेज वालों का प्रोग्राम है पास के हॉल में। अच्छा अच्छा, डांस वांस का चक्कर है? डांस वांस। हाँ भाई, मजे करो। विजय कैसा है? विजय ठीक है, मिलोगे उसे तो बुला देता हूँ। नहीं यार, अभी थोड़ा जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। जरा काम दे रहे, लाओ सिगरेट दो। सिगरेट दो भाई, सिगरेट दो साथ। चलो ओके। अरे मोहन भैया, कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ जरूर जरूर। ये लो। ओके थैंक यू। चल बे, अबे जल्दी कर। ये कौन था? कौन? ये मेरे बड़े भाई जैसे। आपको भी दिखाई देगा क्या इस अंधेरे में? तुम जाओ। सवाल संभाल के बात करना। क्या तेरी तो जल्दी मेरी बात। नीड टू विन वन विकेट। ठीक है यार, ठीक है, मैं डांस कर लेता हूं।
क्या हुआ? वो देखो राज, तुम बाहर क्या कर रहे हो? यार ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कौन? विजय, कुछ नहीं होगा। हाँ तो अच्छा ही है ना। विजय मुझे लगता है अपने लोगों को बता देना चाहिए, बातचीत बढ़ भी सकती है। हाँ। अरे सुरेश जल्दी नीचे उतर, अरविंद आया, जल्दी। तुम्हें पता अरविंद और राज यहाँ हैं? अच्छा, तैयार रहना और बाकी लोगों को भी बोल दो। दीपक शैलेश रवि को बोलना तैयार है, समझे? छोड़ दो ना यार। एक को छोड़ूंगा तो और सबको भी छोड़ना पड़ेगा। तो तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे? नहीं। आगे तकलीफ हुई तो मुझे मत कहना। चलो राज। हेलो पुलिस, हम इंपीरियल होटल से बोल रहे हैं, यहाँ दंगा होने वाला है, आप जल्दी आओ प्लीज। ओके। साले बास्टर्ड्स, देख लेंगे उन्हें। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ नहीं, थोड़ी सी मारपीट बस। मुझे पहले से डाउट था कुछ होने वाला है। डाउट तो हम सबको था यार, लेकिन पहले से हॉस्पिटल ले चलते हैं। चल चल चल। अब आप क्यों रुकी हैं? चलो। फोन लगा? हाँ। क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकता, घबराया हुआ लगता था उसका बाप। किसका? कल्पना का। मॉर्निंग डैडी। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? यूनिवर्सिटी, आज इलेक्शन स्पीच है ना। आप कहीं नहीं जाएंगे। बस कह दिया ना। पता नहीं ये अचानक आपको क्या हो जाता है। लो बेटी। जानती हो अभी अभी फोन पर क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? यही कि अवस्थी साहब अगर अपनी बेटी की खैरियत चाहते हो तो उसे इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए कह देना। अब इनकी वजह से गुंडों और बदमाशों की धमकियां भी सुननी पड़ेंगी। अगर कल को कुछ हो गया ना तो पछताओगी। ये सब इसलिए कि हमारी बेटी लट्टू है स्टोटके के लीडर पर। दीजिए। मैं पूछता हूँ आखिर दिखता क्या तुम्हें उसमें? ना उसके घर का आता पता, ना माँ बाप का, ऐसा क्या है उसमें? कुछ असूल और उनके लिए जिंदगी भर लड़ने की ख्वाहिश। लो बेटी, मुझे नहीं चाहिए। सुरेश, अब तो इसी को सपोर्ट करना है। अत्याचार सहने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना कि अत्याचार करने वाला। हर मजहब में यही लिखा है और यही है हमारी पार्टी का मजहब। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी पार्टी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, और हम कोई संबंध या ताल्लुक रखना भी नहीं चाहते। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ अपने बल पर इलेक्शंस जीतना चाहते हैं। यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं, इसीलिए शायद आजकल के इलेक्शंस में एक रीत सी बन गई है कि कैंडिडेट्स को बहलाकर, डरा धमकाकर, और उससे भी बस ना चले
तो मारपीट करके इलेक्शंस लड़ने से रोका जाता है। इस साल भी हमारे खिलाफ लोगों ने ऐसी हरकत करने में कोई कमी नहीं की। अगर इन पार्टियों के कुछ सदस्य यहां मौजूद हैं, अरे यार नारे लगाने नहीं चलना, छोड़ना यार, अभी तो गाड़ियां भी नहीं आई होंगी। तो गाड़ियां यहां थोड़ी आएगी यार, हमें ऑफिस चलना होगा। चलो चलो यार, सबसे पहले रामानुजम कॉलेज जाओ और वहां के रिप्रेजेंटेटिव से मिलो, उसे समझाओ यार कि इंडिपेंडेंट लड़का कुछ फायदा नहीं, और तुम्हारी तो उससे पुरानी जान पहचान है ना, तो ये बात उसे समझाओ। कोशिश करूंगा। हेलो अमित जी। हाय हाय। हट बे साले, जो अपना काम कर, बेचारा कितनी सबकी मदद करता है। अबे हाथ मत लगा। अबे हॉस्टल में चिकने लड़के आए, तू इनसे मिला है क्या? कमरे में बुला ले। लगता है नए लड़कों के चक्कर में 10 साल और रुकेगा साला। 10 साल क्या, मुझे लगता है 15 साल रुकने वाला। और ये भी बताना चाहेंगे, अरे विजय हॉस्टल में है क्या? नहीं यार, ये तो भाषण दे रहा होगा। सतीश, वो सुरेश तुमसे मिलना चाहता है। कब? कल लेबोरेटरी के पीछे। लेकिन साथ में ये भी बता दें कि ऐसी गुंडागर्दी हमें कतई पसंद नहीं, क्योंकि ये हमारे पार्टी के असूलों के खिलाफ है। हम किसी भी ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं देना चाहते जो कि इस माहौल की गंदगी को और भी पनपने दें, बढ़ावा दें। हम चाहते हैं कि यह गंदगी कम हो जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए खुली और साफ हवा मिले। दोस्तों, पिछले कई सालों से जो आपने हमें सपोर्ट दिया है, हमें जितवाया है, वही उम्मीद मैं आपसे इस बार भी करता हूं और अपने कैंडिडेट्स को आपसे मिलाना चाहता हूं। कल्पना, यह है कल्पना अवस्थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ी है, और यह है शेखर, जीएस की पोस्ट के लिए खड़े हैं। अच्छा भाई, सुनो 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 मित्रगण, मीट आलोक, हमारी यूनिवर्सिटी की शान बढ़ाने आए हैं ये बालक। हेलो। लड़कियों को पटाना आसान काम है क्या? नहीं, तुम बताओ ना। अच्छा, पहले अमित बोल। I'm sorry, अमित। हाँ, तो बताओ बताओ। हाँ। हाय। पहले मेरे कमरे में चलना। लड़कों ने मना किया है तेरे कमरे में जाने के लिए। क्यों? पता नहीं, क्या मालूम। चलना है तो चल, नहीं तो मैं चला। यार तुम लोगों ने, इससे कुछ नहीं होगा, रोज यही करते हो। अभी देखो मैं केस्टो का मजा निकालता हूं। केस्टो, ओ केस्टो। केस्टो! चमक गई तेरी आंखें, ये ले चल पी। अब खाना देगा इन लोगों को या नहीं? हैं, खाना देगा? ये ले चल पी। शराब और पेशाब में फर्क नहीं मालूम। आलोक, चलो बेटा, चलो बेटा घर, चलो चलो। शेखर के लिए पोस्टर बनाने हैं। अरे पोस्टर कल बना लेना यार। देखिए सतीश, सही नहीं यार, अगर तेरा खुद का काम हो तो आज और किसी और का हो तो कल। दैट्स नॉट राइट यार। तू विजय की तरह क्यों भड़क रहा है? अभी नाटक मत कर अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है यार, ठीक है, बैठे बैठे। तू घर चल रहा है? नहीं, जल्दी। शेखर, मैं घर पर बना लूंगा, रात को चलेगा? जाने छोड़ू, विजय को तब से जानता हूँ जब से वो इतना सा था। एक्चुअली उसी, हम दोनों एक ही नर्सिंग होम में पैदा हुए। लेकिन विजय हॉस्टल में क्यों रहता? विजय के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में नौकरी कर ली, एमए ज्वाइन किया
और फिर आजकल हॉस्टल में रहता है, हमारी तरह थोड़ी यार, 3 साल बी ए में। ओए जिमी क्या नंग, ओए क्यों बे अमिताभ, एक और फ्लॉप साले। विजय कभी इलेक्शन लड़ा था? 2 साल पहले, अजय सिंह की छुट्टी कर दी यार। सुनो गाड़ी रुको। कल्पना, कल्पना मेरी बात तो सुनो। कल्पना, कल्पना मेरी मेरी बात तो सुनो। अब क्या है? पहले तुम आओ मेरे साथ चलो। नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम्हें इन पॉलिटिक्स वगैरह से क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। फिर तुम डैडी की बात क्यों नहीं मान लेते, उनके बिजनेस में शामिल हो जाओ। कल्पना ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? मैं अपने उसूलों को नहीं बदलना चाहता कुछ आरामों के लिए। तुम्हारे उसूल, क्या तुम समझते हो कि तुम इस व्यवस्था को बदल डालोगे? नहीं, शायद नहीं, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। चलो।
सुना तुमने फिर ज्यादती की सुरेश के साथ? जिंदा छोड़ दिया क्या काम है? सर राज की जगह इलेक्शन लड़ना चाहता था। लेकिन नाम तो राज का ही नॉमिनेट हुआ ना। तो क्या हुआ, आगे से कोई ऐसी हरकत तो नहीं करेगा? आगे से ऐसी कोई हरकत तो नहीं करेगा। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इसे सुरेश का सपोर्ट अपने हाथ से निकल सकता है? टाइगर ट्रांसपोर्ट का फोन लग गया है। आ रहा हूं, मुझे फिर बात करनी पड़ेगी उससे। देखिए, मैं खुल्लम खुल्ला तो तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा। तू तो समझ सकता है ना। पर सुरेश, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू आखिरी टाइम पे हम लोगों को ही दगा दे दे। सवाल ही नहीं उठता है। देख, मैं अरविंद को किसी भी हालत पे सपोर्ट नहीं करूंगा यार। नहीं, फास्ट चलो। ठीक है, बात करता हूं मैं विजय से। चलो हेलो। अकेले हो क्या? नहीं, वो सतीश भी है साथ में। सतीश भी है साथ में? उसको बोलना रुकने के लिए, हम दोनों को जाना है कैंपेनिंग। क्यों बे, वापिस उस लड़के की तरफ आंख उठा के देखा तो आंखें भी नहीं रहेगी, समझे? देख लूंगा तुझको भी। अकेले तुम्हारी पार्टी हो या हमारी पार्टी, ये इलेक्शन हार सकती है। सिर्फ एक तरीका है ये इलेक्शन जीतने का, वो ये कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें और तब ठाकुर साहब जमीन आसमान एक कर लें तो भी हमें हरा नहीं सकते। हाँ ये तो सही है, लेकिन ये होगा कैसे? बहुत आसान है। अरविंद इलेक्शन ना जीते, इसके लिए हमारी पार्टी तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट देगी। यहां तक कि हम अपने कैंडिडेट का नाम ही वापस ले लेते हैं और कल्पना इलेक्शन जीत जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? दूसरी पोस्ट के लिए तुम हमें सपोर्ट करो। मतलब तुम शेखर का नाम वापस ले लो। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? देखो विशाल, ऐसा ऑफर हमें पहली बार मिला है, इसलिए हमें सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचो, पर मैं हमेशा तैयार हूं। ठीक, तो मैं चलूं फिर। इनसे मिलो, ये है डी सुनील फ्रॉम आरएल, नारायण फ्रॉम खालसा कॉलेज, सुनील एचआर। हाँ इसे तो मैं जानता हूँ। हाँ क्या खबर है? अजय के लोग काफी प्रेशर डाल रहे हैं इन पर। वो तो डालेंगे, क्योंकि उनको अपने सपोर्टर्स पे अब विश्वास नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सुरेश मिला था, कह रहा था कि वो भी हमें ही सपोर्ट करेगा। नहीं, तुम्हारे साथ की पुरानी पहचान की वजह से मैं मान गया था। उसके बाद भी हरकत? अरे वैसे भी तो मैं इलेक्शन से बैठ गया था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करूं? मैं मानता हूं जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन सुरेश तुम्हें भी तो सोचना चाहिए कि तुम्हारा कितना फायदा है इसमें। ये आखिरी साल नहीं है। जानता हूं, सब जानता हूं, पर ये अरविंद गला है, लेकिन ठाकुर साहब का बेटा है। आप तो जानते ही है सरकारी खाते में से मकान दिलवाना कितना मुश्किल काम है। जी हाँ जी हाँ, अब मुझे भी अप्लाई किए हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा नंबर अभी तक नहीं लगा। देख लीजिए आप, फिर भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे। जी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन हमारा एक छोटा सा काम आपको करना होगा। जी हुकुम कीजिए। यूनिवर्सिटी इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म्स आप ही के दफ्तर से वाइस चांसलर के पास जाते होंगे, है ना? जी। हम चाहते हैं कि विजय कुमार के कैंडिडेट्स के फॉर्म्स में ऐसी खामियां पाई जाए जिससे वीसी साहब उन फॉर्म्स को पास ही ना करें। जी ये काम तो हो सकता है,
लेकिन मेरा मकान मुझे कब तक मिल जाएगा? मेरी दरख्वास्त पूरी होते ही आपके लिए एक नई छत हो। आई एम सॉरी। चलिए गुप्ता जी कुछ चाय पानी पी ले। साहब आप कुछ जरूरी कागजात भूल गया था। तुम जा सकते हो। जी साहब। कागजात मिल गए क्या? हाँ। यार बेवकूफी मत करो। कल्पना की लालच देना जरूरी है विजय को। अकेले तो इस साल हम ख्वाब में भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, पर अगर किसी तरह हमारी पार्टी यूनिवर्सिटी काउंसिल में आ जाए तो हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। विशाल, विशाल, एक भयंकर खबर है। मिस्टर एआईआर, आपकी खबरें कब भयंकर से कम रही हैं? नहीं विशाल, इस बार ये बात सच है। क्या है? शिखर का नाम लिस्ट में नहीं है। रह गया होगा। नहीं यार, नाम पास ही नहीं हुआ। हम लोग अभी अभी ऑफिस से होकर ही आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग बाहर रुकना, हम लोग मिलके आते हैं। विशाल, लगता है जरूर कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे भैया से बात करनी होगी। शेखर के फॉर्म में गलतियां कैसे हुई है मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो नाम वीसी साहब ने पास किए हैं वही रहेंगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ही कर सकते हैं साहब। क्या मतलब? हम शेखर का फॉर्म देखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस कह दिया ना। चल चल फॉर्म निकाल। अबे यहां से निकाल नहीं फेंका तो देख लेना। तुम मुझे धमका रहे हो? अभी भी समझ में नहीं आया तेरे साले? तुम लोग फौरन यहां से निकल जाओ नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अबे तेरे बाप की यूनिवर्सिटी है क्या? सतीश, मैं तुम सबको अरेस्ट करा दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो साले छक्के? सतीश देखो गुप्ता, शेखर का नाम तुमको वापस लेना ही होगा, समझे? विराट जब बनेंगे हम गगन को लेंगे साथ में।
गगन को लेंगे साथ में। चाल ये ऐसी चाल है जिससे पूरे खेल का पासा पलट सकता है। अब भी हम हाथ से जाती हुई बाजी जीत सकते हैं। पर भैया कहीं ऐसा ना हो कि हम खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाएं। क्योंकि अगर कल सेनेट ने विजय की डिमांड मान ली तो विजय का सपोर्ट तो दूर, हमारे साथ जितने भी कॉलेज हैं उनका सपोर्ट निकल जाएगा। जानते हैं हम इस बात से भी वाकिफ हैं और ये कदम हम कोई जल्दबाजी में नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जरूरी है। तुम्हारे साथ के जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे कहो कि विजय कुमार की स्ट्राइक को सपोर्ट करें। के लीडर वही है ना? होंगे, पता नहीं। विजय कुमार वो जो वहां व्हाइट शर्ट में खड़े हुए हैं उनके साथ एक लड़की भी है व्हाइट शर्ट में। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिस्टर विजय कुमार हैं? सॉरी, आप ही विजय कुमार हैं? मैं सुमिता सेन हूँ, रॉ स्टॉक मैगजीन के लिए काम करती हूँ। रॉ स्टॉक मैगजीन के लिए? बेटा वो नई मैगजीन है मैडम। जी हाँ, काफी महंगी है, ज्यादा लोग नहीं खरीद सकते। बात कर सकती हूँ? You want to talk to me? जी। Okay, I'll see you there. I'll see you there. Thank you. We want!
ठाकुर साहब से हमें कोई हमदर्दी नहीं, अपनी चालें वो हमारे साथ भी चल चुके हैं। हमारा भी तबादला कराने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड्स अगर जायज हैं तो उन्हें रिजेक्ट करना मुश्किल होगा। अगर आप चाहें तो ये मुश्किल आसानी से हल कर सकते हैं गवर्नर साहब। दुबे जी, आई एम ओनली द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, कोई भी डिसीजन मैं अकेले तो नहीं ले सकता। और फिर ये तो मानी हुई बात है कि वीसी साहब की हमदर्दी स्टूडेंट्स के साथ है। अगर उनकी डिमांड्स मान ली गई गवर्नर साहब, तो इस इलेक्शन में भी ठाकुर साहब का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो फिर जीत जाएंगे। अपनी गलतियों के बावजूद ये फॉर्म्स की हेरा फेरी, ये सब ठाकुर साहब का ही तो चक्कर। आई सी योर पॉइंट। सेनेट के सामने कोई ऐसा ठोस कारण पेश कर दिया जाए जिससे कि सेनेट के मेंबर्स स्टूडेंट से नाराज हो जाएं, तो मिल जाएगा। कल सेनेट को ऐसा ही एक ठोस कारण मिल जाएगा। लेकिन मैं चलता हूं। लेकिन दुबे साहब, कुछ चाय वाय तो? थैंक यू सो मच, बहुत काम बाकी है। थैंक यू सो मच। मिस्टर जी एस गुप्ता। ऑफ कोर्स आई नो हिम, पुलिस कमिश्नर। ग्लैड टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। एक्सक्यूज मी। बेवकूफों पर भरोसा करके हमने हमारे दुश्मनों को ताकतवर बना दिया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वीसी साहब शेखर का नाम पास नहीं करेंगे, लेकिन अपनी और अपने डिपार्टमेंट की इज्जत रखने के लिए वो इलेक्शन रद्द जरूर कर सकते हैं। लड़ाई इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इलेक्शन का न होना दुबे की जीत मानी जाएगी, और ये हम सहन नहीं करेंगे। इलेक्शन होंगे ही, और हमारा बेटा अरविंद यूनिवर्सिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा। इसके लिए स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए ठाकुर साहब, कल वीसी साहब भी लौट रहे हैं। काम आसान नहीं है ठाकुर साहब, विशाल के कॉलेजेस का भी सपोर्ट है इस स्ट्राइक में। लीडर तो विजय ही है ना जी। एक बात याद रखना अजय, बिना सेनापति के कोई सेना लड़ाई नहीं लड़ सकती। मेरा एक पुराना आदमी है करीम, वो इस मामले में आपकी मदद करेगा। गुप्ता। क्या है? कल के मीटिंग में आपका इस्तीफा होना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर काफी असर हो सकता है। कौन थे वो? पता नहीं। सब बंदोबस्त हो गया। मिला क्या? हाँ। अबे मेरा क्लास ले क्या? ये चाल तो तुम्हारा बाप भी नहीं सोच पाया। लेकिन इससे फायदा क्या? ये गुप्ता वाला पैंतरा इसलिए तो खेला था। बात इतनी सी है कि विजय सेनेट के सामने अपनी सफाई नहीं दे सकता, वो तो हमने किया, लेकिन लेकिन अब हम और कोई चांस नहीं लेना चाहते, और विजय का यहां आसपास होना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। करीम, इस बात की फिक्र मत करो, ये छोरा मिलेगा कहां? एक लड़का भेजा है कॉलेज पे, ये हॉस्टल पे, बहुत जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। वीसी साहब को मैं पिछले 3 साल से जानता हूं, वो हमें सफाई का मौका तो जरूर देंगे, लेकिन सेनेट के बाकी मेंबर्स तो हमें जानते ही नहीं विजय, वहां शायद हमारी एक ना चले। तो क्या हुआ? अगर सेनेट ने तुम्हारा नाम वापस नहीं लिया और हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी, उन्हें इलेक्शंस कैंसिल करने पड़ेंगे। लेकिन ज्यादा देर तक ज्यादा लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मत भूलो विजय। सतीश सही कह रहा है,
जो कॉलेजेस हमें सपोर्ट कर रहे हैं उन पर प्रेशर तो पड़ेगा ही। ये तो जायज बात है, वो लोग ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग हमें छोड़ के भी गए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुश्किलों का सामना किए बगैर कोई मंजिल हासिल नहीं होती। एक नए सूरज की रोशनी देखना तो हर इंसान चाहता है, पर उस नए सूरज को बाहर निकालने का जिम्मा सिर्फ चंद कंधों पर होता है। अगर आज हमने उन लोगों की नाजायज हरकतों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो आने वाला कल इससे भी गंदा और घिनौना होगा। बंद करो अपनी फिलॉसफी विजय, कोई जानबूझकर नहीं मांगा था हमने ये माहौल, जो इसको बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी हो गई। हाँ कसम से हर सवाल का जवाब है मेरे पास, पहले मेरे कमरे में चलना। इनमें से विजय कौन है? वो जो तुम्हारे सामने बैठा है। काफी देर हो गई है, वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा आप लोगों की बातों में। बातें जो ठहरी, चलिए हम आपको छोड़ाते हैं। चलिए, अच्छा कल मिलते हैं। कल किसने देखा है सुविता जी? रुक जाइए थोड़ी देर, बातों में बड़ा मजा आ रहा है। सतीश आइए। आप लोगों का जोश देखकर बहुत अच्छा लगा, तो समझ में नहीं आता ये सतीश कुछ अजीब है। ऊपर ही ऊपर से, वैसे वो विजय को बहुत चाहता है। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कुछ अंदर से ही। हाँ लेकिन ऐसा क्यों? क्या यार, इन लोगों को छोड़कर अपन दारू पीते हैं यार, क्यों? चल चल चल। नहीं नहीं यार, मैं घर जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। क्या थक गया, थक गया कर रहे हैं, चल ना बैठ के पीते। अरे जाने देना उसे, उसकी तो कल सीट का सवाल है भाई। क्या छोड़, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ भाई, कल मिलते हैं। देख लेंगे देख लेंगे। मैं भी जाऊँ? अच्छा विजय, मैं भी चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। बाय। गई सुमिता जी, गई। अब उनके जाने के गम में और कल इलेक्शन की खुशी में थोड़ी दारू और पीनी पड़ेगी यार, क्यों भाई? हाँ ये लो भाई, आ गई मंजिल हमारी। चलो भाई चलो जल्दी। चलो माला गया माला गया। मेरे नाम का है यार? अरे जल्दी लाना यार, ये हम डाल लेंगे। चल जानी है तुम्हारे लिए बन रहा है। लो सर, ऐसे लो। वैसे तो देख ले कि डालते कैसे, बियर डालने का एक स्पेशल स्टाइल होता है यार, इसमें झाग नहीं। चल चल, झाग वाला नहीं है ये। अरे पीना। ओए रम लाना यार मेरा। वो विजय यहीं पर है, गोल्डन फेन में घुसा हुआ है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा ओके, चलो। ये होटल का नाम क्या है? गोल्डन फ्लेम। चलो
चली जाए। मेरा बेटा जावे। रो मत अख्तर, रो मत, रोना मत। मैं कुछ तो करूंगा, मैं कुछ तो करूंगा तुम्हारे लिए। हिम्मत रखो अख्तर, हिम्मत रखो। विजय, जस्ट अ मिनट, मैं तुमसे बात कर सकता हूं? जावेद की फाइल ऊपरी ऑर्डर से बंद कर दी गई है। देर विल बी नो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसलिए विजय, मैं चाहता हूं अगर उस रात के बारे में तुम्हें कुछ याद होगा तो मुझे जरूर बता देना, मेरी काफी मदद होगी। ओके, एक बात है विजय, जावेद की मौत का ताल्लुक तुम्हारे इस इलेक्शन से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं 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 नहीं, इसे मत फाड़िए, इलेक्शन के बाद हम यहां से चले जाएंगे। मैं खुद इसे नहीं फाड़ना चाहता, अब हम यहां नहीं रहेंगे। स्टूडेंट वेलफेयर डायरेक्टर जय है, जय है। 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 लो आ गए गवर्नर साहब। साला करीम ऐसी गलती करेगा, लेकिन नहीं आता। आया, साला उठाने को बोला था, मार ही दिया। अब क्या होगा? अब क्या बचाएगा तेरा बाप? क्या हो रहा? कुछ नहीं, चलो। तुम लोग कहाँ गए थे भाई? गुप्ता जी का जरा हाल पूछने गए थे। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि फॉर्म भरने में उनसे कोई गलती नहीं हुई। तो ये हुआ कैसे? यही तो हमें पता करना है। अगर स्टूडेंट्स का कहना सही है तो गलती हमारे ऑफिस से ही हुई है। ये गलती मैनिपुलेशन भी तो हो सकती है। गुप्ता जी कहां खो गए हैं आप? जी कहीं नहीं। मिस्टर बाटला ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नॉमिनेशन फॉर्म आप ही ने एक्सेप्ट किया था? जी जी। क्या शेखर के फॉर्म में गलतियां थी? जी वो कुछ याद। आपने कुल मिलाकर कितने फॉर्म्स एक्सेप्ट किए? जी कोई तकरीबन 20। उसमें से कोई भी फॉर्म वीसी साहब ने रिजेक्ट किए थे? नहीं। तो कुल फॉर्म 20 थे और उसमें से एक फॉर्म में गलती थी और वो भी आपको याद नहीं? कहिए गुप्ता जी। जी अगर आप लोग कहें तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूं। बड़े शर्म की बात है गुप्ता जी, आप ऐसी हरकत करेंगे
ये हम कभी सोच ही नहीं सकते। आपको मालूम है कि इससे हम पर कितनी कीचड़ उछलेगी? 50 साल से इस माने हुए विद्यालय के नाम पर कालिख पोती जाएगी। यू हैव बीन डिस्ग्रेसफुल। साहब, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। और मिस्टर गुप्ता, आपने यह सब किस लिए किया और इसका कारण क्या था, यह सब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन बात इंस्टीट्यूशन के नाम की है, इसलिए हम आपका रेजिग्नेशन अभी मंजूर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। आप जरा बाहर जाकर रुकिए प्लीज। काम हो जाने के बाद मुआवजा ले लेना, और याद है दुबे के भाई को कुछ ना हो। अच्छा चलो। अच्छा मैं अपने बूथ होकर आता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ विशाल? इनकी डिमांड्स को मानने का मतलब है ऐसी हरकतों को बढ़ावा देना। मेरी सेनेट मेंबर से दरख्वास्त है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें अपने डिसीजन पे फिर से गौर कर लेना चाहिए। इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, खामोश इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच गवर्नर साहब, थैंक यू। क्या चाल चली है पांडे जी आपने? चाल तो आपने भी खूब चली है दुबे जी। गवर्नर साहब आप पर फिदा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ उनकी दुश्मनी का फायदा उठाया है? ठाकुर साहब के साथ। पर भाई इंफॉर्मेशन तो हम ही नहीं दी थी आपको, मान गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ ना। भैया रामू के लोग आपसे मिलने आए, उनसे कहो बाहर रुके मैं आता हूँ। हाँ साहब ने बोला है आते हैं, तुम लोग रुको अभी। कब तक आएंगे? यार बोला ना कि आते हैं। जावेद की मौत का ताल्लुक तुम्हारे इस इलेक्शन से है,
जावेद की मौत का ताल्लुक तुम्हारे इस इलेक्शन से है। जावेद की मौत का ताल्लुक तुम्हारे इस इलेक्शन से है। नहीं भाई विशाल, हमारी पार्टी का तो ये इरादा था कि इलेक्शन ही बॉयकॉट कर दें। इसमें तुम्हारा सपोर्ट तो पक्का समझे ना। अगर ये सच बात है तो बेहद कमजोर बात है, और अगर ये मजाक किया है तो बहुत ही गलत वक्त पर किया है। देखिए कल्पना जी, शेखर का नाम तो सेनेट ने वैसे ही नामंजूर कर दिया है, और अगर अब भी हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हुए तो अरविंद और राज बेधड़क ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मेरा नाम निकल जाने से तो फायदा सिर्फ तुम्हें ही होता ना। यार हमें इस बात से इनकार कब था, और वैसे भी मैंने विजय से इस बारे में खुल्लम खुल्ला बात की थी। असल बात ये थी कि अजय और ठाकुर साहब को पता चल चुका था कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और तब उन्होंने ये फॉर्म्स वाला बखेड़ा खड़ा कर दिया ताकि हम दोनों के बीच गलत फहमी। स्ट्राइक में रामू के लोग कौन? यार मैं नहीं जानता। अरे वही जिन्होंने थोड़े बहुत अपने हाथ पैर हिला लिए थे, याद नहीं है? तुम्हें कैसे मालूम? मैडम 25 साल इस शहर में घास नहीं काटी है हमने। अगर आपको याद हो तो विजय के आने से पहले ही विशाल उठकर चल दिया था। लगता है कि आप लोगों को हम पर कुछ भरोसा नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि कुछ हो सकता है तो कल मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। और कल्पना जी, इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बचा है। अच्छा हाँ, ये स्ट्राइक किसने तोड़ी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये फॉर्म्स की गोलमाल में किस किस का हाथ है इस पर गुप्ता जी जरूर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। बस मुझे इतना ही मालूम है। झूठ बोलता है साला। मेरा नाम किसी भी वजह से कटा हो सतीश, लेकिन राज और अरविंद इलेक्शन जीत जाए यार ये मुझसे सहन नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब तो एक ही तरीका है, हमें विशाल की पार्टी से मिल लेना चाहिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं। इतना सब जानने के बाद भी तुम लोग विशाल को ही सपोर्ट करना चाहते हो? वरना चारा ही क्या है सतीश, विशाल के लोग तो इलेक्शन जीतेंगे नहीं और हमारी पार्टी को सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी। ठाकुर साहब भी फायदे में रहेंगे। ठाकुर साहब की करतूत तो साबित करना आसान है, मुश्किल तो विजय को मनाने की है, क्योंकि वो और उसके असूल एक साथ ही खत्म होंगे। ओए विजय, इसको तो बढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश तो करते हैं। अरे यार विजय, तुम कहाँ हो? कहाँ है यार, सुबह से तुम्हें तो ढूंढ ढूंढ के। विजय खुशखबरी है, सतीश गुप्ता से मिला था, उसने सब कुछ उगल दिया। मालूम है तुम्हें? प्लीज लीव मी अलोन। अच्छा हुआ विजय तुमने बता दिया कि रेनकोट तुम्हारा था, इससे बात और भी साफ होती है। Have it. But I think विजय you are very lucky. अगर मेरी इंट्यूशन सही है तो वो जावेद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया। Don't worry, relax. I'm sorry. रावण, ये चाय लेके जाओ और दूसरी चाय लेकर आओ। नहीं प्लीज, मैं चलता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान रहे इस हादसे में काफी ऊंचे लोगों का हाथ है। निगाह ठाकुर साहब तक भी जा सकती है। भैया ये है कल्पना अवस्थी। आइए बैठिए 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 बैठिए। देखा भाई, वो कहावत है ना, देर है अंधेर नहीं। अच्छा हुआ आप और विशाल आज मिल लिए, वरना कल इलेक्शन में शायद आपका ही नुकसान होता। ये बात तो सच है, पर अब भी हमारी पार्टी के सब लोग इस बात से खुश नहीं हैं। होंगे भी नहीं, कभी नहीं होंगे, लेकिन एक समझदार आदमी को अपने पराये की पहचान होनी चाहिए। देखो हम तो एक बात मानते हैं कि जिस आदमी के पास उसूल नहीं है वो आदमी आदमी ही नहीं है। और फिर हमारी पार्टी ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, विजय के उसूलों से थोड़ी टकरा रहे थे। और जब मंजिल एक है तो फिर अलग अलग रास्ते पे चलने का क्या फायदा।
हमारी भी लड़ाई इस माहौल की गंदगी से है कल्पना जी, और यहाँ पर उसके रिप्रेजेंटेटिव ठाकुर साहब है। रामानंद जी, गाड़ी निकालिए, भैया के जाने का वक्त हो गया है। देर हो रही है। मैं चलता हूँ, आप इलेक्शन की तैयारी शुरू करो। बैठे। ओके। अच्छा तो ये बताओ कल्पना, कि तुम्हारी तरफ से हम कितने कॉलेजेस पे यकीन कर सकते हैं? हमारे पास से करीब 15 कॉलेजेस का सपोर्ट निकल गया है। वो मेरे डिसीजन से सहमत नहीं है और अब हमें वोट नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके वोट हमारे खिलाफ चले जाएं। उसकी चांसेस कम है, मैं विजय से उस बारे में बात कर लूंगी। फिर भी हमारी मुसीबतें कम नहीं होती, क्योंकि हम दोनों के बीच कुल मिलाकर 25 या 26 कॉलेजेस का पक्का सपोर्ट रह जाता है, जबकि अजय के पास तो वैसे ही 25 कॉलेज का सपोर्ट है। और रहे शहर से बाहर के कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वो तो अजय को ही सपोर्ट करेंगे। तुम बात करके तो देखो, उन कैंडिडेट्स को हम अपनी तरफ भी ले सकते हैं। अरे उनसे तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजय अपनी गुंडागर्दी में माहिर है और वो हमें उनकी हवा भी नहीं लगने देगा। थक गए क्या? हाँ, शहर से काफी दूर है ठाकुर साहब का गेस्ट हाउस। नहीं कुछ काम, तुम जाओ। भाई लोग आइए आप लोग मेरे साथ। अजय, कल्पना ने विशाल की पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या? वर्धमान कॉलेज के नितिन ने मुझे बताया। ठाकुर साहब के यहाँ होके आता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना। ओके। चलो। एक मिनट, इलेक्शन से पहले इनमें से कोई बाहर निकलने ना पाए, समझे? ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ओके। चलो। तो ये कल्पना देवी भी दुबई की पार्टी से मिल गई है। तुम्हें क्या लगता है, इसकी वजह से दुबे की पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी? जी बिल्कुल, कल्पना का सपोर्ट विजय के सपोर्ट के बराबर है, इसीलिए बाहर के कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन उनकी तफरी पानी हमें अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो करो करो उनकी तफरी पानी। ठाकुर साहब, फंड्स बहुत कम हो गए हैं। पैसों की फिक्र मत करो, कोई कमी महसूस नहीं होगी। सिर्फ इतना याद रखो, अरविंद को इलेक्शन जीतना चाहिए। जी मैं चलूं? Do you love me? तो इलेक्शन मत लड़ना। विजय, मेरी तो समझ में नहीं आता, जिस इलेक्शन के लिए हम साल भर रुके, इतनी मेहनत की, रातों की नींद गवाई, स्ट्राइक भी लड़ी, अब तुम कहते हो वो चुनाव ना लड़ूं? कल्पना, ये पार्टी के असूल है। पार्टी के नहीं, सिर्फ तुम्हारे। पार्टी तो चाहती है कि हम चुनाव लड़े, क्योंकि उसके असूल है गंदगी के खिलाफ लड़ना, और यहाँ की गंदगी है ठाकुर साहब। मैं मानता हूँ कल्पना, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं जानना भी नहीं चाहती। बेवकूफ मत बनो, जानती हो आगे क्या क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। मैंने कहा ना नहीं। हाँ कल्पना, प्लीज कल्पना रुको। तो लुक, आई एम सॉरी, प्लीज कल्पना छोड़ो मेरा हाथ। प्लीज आई एम सॉरी, लीव मी।
साइन करो। ये देख। क्या देख तो सही नहीं यार। सस्पेंस। अच्छा देख देखना। क्या हुआ? ये तो होना ही था यार। ओ, हुआ क्या? कल्पना ने अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया। मेरा भी एक ग्लास बैग बना दे यार। हाँ हाँ, जिसको जो चाहे पिला दो, आज तो सेलिब्रेशन का होना जरूरी है। वैसे अब बचा ही क्या है? इलेक्शन। यार वो भी जीत लेंगे अगर हुए तो। अजय, अजय, अजय सुनना यार। यार मैंने कुछ गलत थोड़ी किया, अपने फायदे की चीज है यार। मजे ही मजे हैं। शराब तो पानी की तरह बहेगी, और लड़कियां भी हैं, और भी बहुत सारे नजारे दिखाता हूँ वीडियो पर। चल तो। क्यों पानी निकल गया? विद्याविहार हॉस्टल, जरा जल्दी से विजय कुमार को बुलाना। हाँ प्लीज। विजय, तुम्हारा फोन है। What? कौन थे वो लोग? Damn it, कौन थे वो लोग? क्या कल्पना है भाई? ओके, मैं पहुंचता हूं वहां पर, तुम उसे संभाल लेना तब तक। ओके। क्या आप जानते हैं कि पुलिस को तो सदियां लग जाएंगी ठाकुर साहब तक पहुंचते पहुंचते? तब तक तो ये इलेक्शन हो भी चुका होगा। प्लीज विजय, दंगे फसाद से क्या फायदा? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, खुद के उसूलों पर भरोसा नहीं? नहीं रहा, नहीं मिसेस सेन, मुझे अब किसी भी चीज पर भरोसा नहीं रहा, खुद के असूलों पर भी नहीं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे असूल जिसकी कीमत हो जावेद और कल्पना। और ये इलेक्शन तो एक अजगर बनकर हम सबको लपेटे में ले रहा है। इसको रोकना होगा, बस यही होगी आखिरी जंग। सिर्फ एक मौका दे दो, एक बार पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं। हो सकता है तुम्हारी बात पर ध्यान न दें, लेकिन मुझे एक रिपोर्टर की हैसियत से टाल नहीं सकते वो लोग। प्लीज। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कल्पना अवस्थी नाम की लड़की को भगाया गया है, और उसको जहां रखा है वहां का पता है। तो बतंगड़ बन गया, पुलिस यहाँ आ गई तो तलाशी देनी पड़ेगी। दोनों को यहाँ से फुटा दो। लेकिन इन्हें लेकर जाएंगे कहाँ? करीम के पास। सुरेश, कल इलेक्शन होगा? हाँ, शायद अजय के लोग इलेक्शन जीत भी जाएंगे। यूनिवर्सिटी मान जाएगी कि मैंने अपना नाम वापस ले लिया? हाँ। अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो? गोली भी लग सकती है, यहां से निकलना इतना आसान नहीं है।
सालों ने पुलिस का फोन भी कट कर दिया। मगर विजय को तो पता है ना? हाँ, मैंने उसे बताया है। वो जरूर कुछ करेगा। फोन कॉल शायद मजाक हो सकता है, लेकिन इन लोगों के आने से ये साफ जाहिर होता है कि लड़की को भगाया गया है। हमें ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस जाना ही पड़ेगा वर्मा। देखो खुराना, मामला ठाकुर साहब के बंगले से जुड़ा है। वहाँ बिना वारंट के रेड करने से कोई मतलब नहीं निकलता। वहाँ घुसे और कुछ नहीं मिला तो हमारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, इसलिए कमिश्नर साहब का परमिशन जरूरी है। ठीक है वर्मा, अगर तुम रेड करना नहीं चाहते तो मैं अकेले जाकर रेड करूंगा, समझे? देखो बेवकूफ मत बनो, इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले 15 वर्षों से तुम अपना खुद का नुकसान कर बैठे हो। अब वो तुम्हारी ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर देंगे जहां एक भी आदमी नजर नहीं आएगा तुम्हें। तुम्हारा सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। भाड़ में गया कैरियर। देखो मैं समझता हूं, पर जो तुम करना चाहते हो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बी रिलैक्स, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मेरे कुछ आदमी यहाँ बंद हैं, साहब से उनके लिए बात करनी है। तुम्हारे कहने पर वो उन्हें छोड़ देंगे? किसी को बताना नहीं। अरे तुम? हाँ भैया, कुछ काम था यहाँ। अच्छा, और सतीश मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ होगा, हमें यहाँ से निकलना। मैं तो कहता हूँ भैया, सीता को उठाना है तो सीधा लंका में घुस जाओ। हाँ लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। सतीश तुम एक काम करो, हॉस्टल चलो, मैं यहाँ से काम पटा के आता हूँ। ठीक है, यही सही रहेगा यार विजय। चलो अपन हॉस्टल पे चलते हैं। चलो ओके ओके, सुबह मिलते हैं। सुनराज यार, ये घोड़ा अंदर रख देना यार, रखना। सुनो, तुम अशोक और ज्ञान को साथ में रख लेना। हाँ चलो। घबराओ मत, देखते क्या कर सकते। चलो सुरेश। चलिए, बहुत तकलीफ दे दी सुरेश, चल बैठ। चलो निकलो राज, निकल लो। क्या? हाँ, अगर तुम्हें इतना भरोसा है राज पर तो ये काम उसे ही संभालने दो। हाँ, और राज से कहना ध्यान रखे कि बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, और तुम अरविंद को लेकर सीधे यहां चले आओ। वो पुलिस स्टेशन का मामला हम संभाल लेंगे। यह अरविंद एक दिन मुझे डुबाएगा। छूट तो आपने ही दे रखी है ठाकुर साहब। तो क्या करूं? क्या करूं क्या? बीज बाजार उसे पत्थर पड़वाऊं या उल्टा टांग कर कोड़े लगाऊं? आखिर वो मेरा बेटा है, मां का साया ना हो तो। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं कुछ नहीं, सोच रही थी माँ के साये से भी क्या फर्क पड़ता, उसने तो वही किया जो वो देखता आया। जैसा बाप वैसे ही बेटा। शट अप। नहीं, रख दो रख दो रख दो। एक पुलिस कमिश्नर होकर क्या ये आपको शोभा देता है? कुछ तो नौकरी में झड़ गए हैं,
सोचा बाकी के खुद ही निकाल दूं। वर्मा तुम समझते क्यों नहीं हो, कमिश्नर हमसे बात नहीं करना चाहते, उन्होंने फोन रख दिया है। लगाओ लगाओ और लगाओ, तब तक लगाओ जब तक कमिश्नर हमसे बात नहीं करते। क्या हुआ? कोशिश कर रहे हैं, लगता है बहुत जल्द ही कमिश्नर साहब की परमिशन मिल जाएगी। घर जा रहे हैं क्या? जी नहीं, ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस जा रहे हैं। रियली? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, सुनिए। ठाकुर साहब का गेस्ट हाउस यही है? जी सरकार। हम अंदर जाना चाहते हैं। परमिशन है साहब। ठीक है, तुमको और तुम्हारे साहब को देख लूंगा। भैया साहब ने आपको ऊपर बुलाया है। मेरे बेटे होने का यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करते फिरो। तंग आ गया हूं तुम्हारे इन हरकतों से। क्या जरूरत थी, मैं पूछता हूं क्या जरूरत थी कल्पना को उठाने की? इलेक्शन जीतना चाहते हो इसलिए? अरे तुमसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि तुम ये इलेक्शन जीतो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह अपनी ताकत आजमाई जाए। कभी कभी इसका भी इस्तेमाल करो। तुम्हारे इन करतूतों से न जाने मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो। क्या? अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, ओके। ठाकुर साहब, वो खुराना आपके गेस्ट हाउस पर पहुंच गया और वहां से वो कमिश्नर के घर गया है। नहीं, हमें खबर मिली थी कि अफसर सरफिरा है, लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई शुरू करेगा इसका हमें पता नहीं था। ठाकुर साहब, उसे भी ठंडा किया जा सकता है। हाँ, एक अफसर की वजह से पूरे पुलिस फोर्स की दुश्मनी हमें मोल नहीं लेनी है। उन्हीं की मदद से तो हम बच पाएंगे। हमें कमिश्नर साहब पर प्रेशर डालना होगा। लेकिन इससे फायदा क्या? ये बात अगर मैं अपने अखबार में छापती हूं तो it will be too late। तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। देखो वर्मा, एक काम करो, सीधे कमिश्नर के यहां जाओ, उन्होंने हमसे सुबह तक रुकने के लिए कहा था,
अब हमें ठाकुर साहब के यहाँ रेड करनी ही होगी। तुम कमिश्नर साहब की लिखित परमिशन लेके आओ। यार तुम मुझे भी फंसाओगे क्या? खुराना, खुराना, खुराना। गुस्सा मत हो यार, मैं जाता हूं। का फोन था, कह रहे थे उनकी कोशिश अब भी जारी है। उनसे कुछ नहीं होने वाला है विजय, मोहन और अपने आदमी लेके सीधे ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस चलते हैं। हाँ भैया, वक्त भी बहुत कम है और अगर ज्यादा देर हो गई तो इलेक्शन भी खत्म हो चुके होंगे। क्या बात है यार, मैं तो तुम लोगों से मिलने आ रहा था। अरविंद और राज उठा के ले गए कल्पना को। चलिए हमारे साथ, सुनाते हैं आपको पूरी कहानी रास्ते में। Thank you.
कल्पना। विजय, क्या हुआ? क्या? अरविंद, अरविंद लोगों से भाग रहे थे, गोली चला दी। सुरेश को तो मार ही दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने कहना नहीं माना तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें रोक लो विजय, उन्हें रोक लो। दे आर मैड विजय, वो पागल लोग हैं। विलक्षण तो ठाकुर का बाप भी नहीं जी सकता, उसकी फिक्र छोड़ो, फिलहाल इस लड़की को अस्पताल पहुंचाओ। हाँ, चलो। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट, मैं तुम कल्पना के साथ जाओ, हम गेस्ट हाउस जाते हैं। नहीं कुल, तुम कल्पना के साथ जीप में जाना। ठीक है, मेरे आदमी के साथ भेज दो। हाँ तुम जाओ, जाओ। पहुंचते यूनिवर्सिटी। हाँ ठीक, चले क्या? बड़ी देर कर दी यार, इलेक्शन कहीं होना जाए यार। रात को नींद भी नहीं आई ठीक से, जानते हो क्यों? मच्छरों ने परेशान किया क्या? कमिश्नर साहब नहीं मिले। डैम इट वर्मा, अब बहुत हो चुका, ठाकुर साहब को सबक सिखाना ही पड़ेगा। Thank you.
कोल, कोल। She's dead. आप तो कह रहे थे कि आप सब संभाल लेंगे, अब क्या हुआ? यहां तो आप कुछ नहीं कर सके। अब हमें जल्द से जल्द ठाकुर साहब के गेस्ट हाउस पहुंच जाना चाहिए। विजय है ना? मैं इन लोगों को संभालता हूं, अगर बात नहीं बनी तो तुम लोग फूट लेना। जाने दो यार, बहुत दूर जाना है। क्या बात है भाई, हाँ? आप हमें जाने दोगे या नहीं? ये क्या बाजार लगा रखा है? तुम लोग तैयार रहना, भागना पड़ेगा। हाँ चल बे, जल्दी से गाड़ी निकाल ले, चल चलो पकड़ो। Thank you.
सब उन लोग का ही है यार, खेल मेरा कुछ नहीं है। यार बैठ के बात कर सकते हैं यार, ये सलिया की क्या जरूरत है भैया। विद्यार्थी मित्रों, विद्यालय विद्या का मंदिर है, ना कि दंगे फसाद का मैदान। दोस्तों, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किस तरह आपको मोहरे बनाकर इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या अंजाम होता है, ये तो आप देख ही चुके हैं। इसलिए आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई करें, ये पॉलिटिक्स वगैरह के झंझट में ना पड़े। इससे आप अपना और साथ ही समाज और देश के भविष्य का नुकसान करते हैं।